वेलकम बैक नाज़रीन, धरती टीवी न्यूज़ जी 5 जुलाई के हवाले से खसूसी नशरियात जारी है। ब्रेक का पेरी 5 जुलाई के हवाले से मुख्तलि पहलुओं से गाल बोल कईसी। इन वक्त असा के वीडियो कॉल से जॉइन किया है सीनियर तज्जिया निगार नसीर मेमण साहब, उन्होंने व्यू पॉइंट पुछंदा। नसीर साहब वरी मेहरबानी, तुम कीमती वक्त दिनो, चवण चाहिंदा पाकिस्तान की सियासी तारीख में 5 जुलाई की कड़ी अहमियत है? अगर तुम उनके मौजूदा पाकिस्तान की जो सियासत है या सूरत है अगर उनके रिलेट कर सब का उदा ऐसी बिहार उदा ऐसी पाकिस्तान की सियासी तारीख में ये शदीद उदाई वो ढी हो एतरी शदीद उदाई वो ढी जो हाँ उनके 50 साल ची थ पर अना तरण घटे नी पाकिस्तान के मथा पाकिस्तान में इनका अग में भी मार्शलाओं लगे अयूब के दौर में भी लगी लगाई नुकसान थे पाकिस्तान के तमाम गहरा नुकसान थे सियासी तारीख से अख रखन था मूँ तफसीर मौजूद आन हि जो मार्शल ला जो दौर हुए जो इन ढी का शुरू थो उ एडो उन असर डिघा जो अना पाकिस्तान एक पूरा नस्ल नस्ल वह सदा भोगन प खबर ना है तो इंदर वेझे मुस्तकबिल में भी इन में अज को नजर को रुगो आम मार्शल ला न हुई रुगो यो न हो तो हुकूमत टॉपिल थी आमिर पाकिस्तान जो इकदार संभाले वरतो उन पाकिस्तान जो इकदार संभाले उन पाकिस्तान के मुकदर के घुटो दई छा मार्शल के दौर में तो होंगे लड़ाई थी मू जेल में वा कोड़ा लगन सख्त पर उन हटी कर लॉन्ग टर्म डेमेज उड़ी पाकिस्तान के अंदर सियासत में मजहब के गलत इस्तेमाल से गलत रिवायतू उन दौर में पयू जै तरह मजहब के आड़ में मान की जिंदगी तबाह कर निज़ाम ठाण की कोशिश कई वही उनके मजहब जो नालो दिनों वो मजहब जो गलत इस्तेमाल वो उन इंतहा पसंदी जन्म वो जैके अफगान वार जी जी थी उनूज के पहुंचा छो अफगान वार में उको अगेन मजहब के कारोबार ला इस्तेमाल मजहब से भी जुर्म कर पाकिस्तान से भी जुर्म कर पाकिस्तान के मानन से भी जुर्म कर उनके नतीजे में जो अस रतो छाण दिठी जैमें असा जो कुछ फर्दन इन मुल्क के शख्सी तौर डॉलर कमायण के लिए सजे मुल्क के जै बाह में उछलो हाने असा उनकी कीमत अना तरू पा पाकिस्तान में हजार के अंक में मानू उन्हें जो जंग थी टेररिज्म के नाले से उनको खाज बणिया इतफाक से अज जैसे मौजू से गाराए रहा हूं तो कल ही कंधार से तालिबान की फोर्सिस कब्जो किया कुछ अमेरिका इनखलाज आ वे में वो मशीनों हुई वे वे जहाज जरिए मुंतकिल क्यों उन उंदाहे दौर के दौर वक्त में जो अफगानिस्तान के बार्डर से पाकिस्तान से कलूर थिया उनको वरी वर्जाव कर पो खणे असा वो नस्ल जो उन दौर में सारी तबाहकारी के उसरंदे दिखो उन मुशरफ के दौर में वरी उभरंदे दिखो उनके जहन दिल में खौफ आ उन दौर जो जो वरी असा के अफगानिस्तान के बार्डर तीहर कर खणते नजर अच्छा नसीर साहब फॉरेन पॉलिसी जेका जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में इहा हुई जो उनके धमकायो पे वो जो है खत खड़ी जलसे आम के भी बुधायो तो जो उनके वाइट एलिफेंट उनके चवन पा अस तो इबरतनाक इबरत जो नमूनो बणाइंदासूं उहा फॉरेन पॉलिसी पो जी सरेंडर थी ज़ियाज डीहन में अज जी असांखे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी आज़ाद थींदे नजर नथी अचे समझो था असा जो है 5 जुलाई के सानहे असाजे मुल्क की जहाँ खुदमुख्तियारी आ सॉवरेंटी आड़ी इंडिपेंडेंट रियासत वाली सॉवरन स्टेट वाली उनके कें पो उन उनको इम्पैक्ट आ जी फैज जबरदस्त गाल कही उन सजे दौर जो सब का वो डार्क साइड हो डार्क डायमेंशन हो वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी हुआ तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी तुम शुरू के दौर जैप्टर्स ऐसी वो तो उ
घने भांगे सिविलियन हुकूमत या सिविलियन फर्दन डिटरमिन घट वक्त में कई है बाकी सजो वक्त उन फॉरेन पॉलिसी उन एलिमेंट्स पे कंट्रोल कई मिसाल खुद भुट्टे के दौर में दाऊद के मामले से जै तरह से इन ही किस्म ज एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के पाकिस्तान में वेलकम किया वो हो अर्ली 70s में तो वो भी फॉरेन पॉलिसी जो फ्लैट अप्रोच हुई यकीन आ तो उनमें ठीक है भुट्टो ताकतवर वजीर आजम पर हाँ उन दौर जहाँ वर्क किताब पढ़ू तार खबर पे थी उन वक्त फॉरेन पॉलिसी एक महदूद हद का बहरहाल भुट्टे साहब के हथ में न हुई पूरी तरह ज़ियारत के दौर का इन गाल पे ठपो लगी हो तो फॉरेन पॉलिसी जी रीजनल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो मामलो आ ग्लोबल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो मामलो आ जैसे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की गाल कही थी वे तो लाजमी तौर से समझो तो वे तो सिर्फ वह एबिलिटी हिगड़े ही इदारे के पाकिस्तान में आए बाकी बया इदारा वह सलाहत खास तौर से सिविलियंस ना रखन अजम्पशन वो इनके प्रोमोट किया वो तो तरफ सतही सियासी गाल मू तेरी खबर जंग जदल में फॉरेन पॉलिसी क्या मैनेज थी उनके बेस बनाए फॉरेन पॉलिसी के जी एक वेस्टेड ग्रुप पे टूल तौर यूज किया पाकिस्तान लगातार भरे पो एक भी दौर न दिखो हों में फॉरेन पॉलिसी कें इलेक्टेड हुकूमत मर्जी से हलने की कोशिश कई हुए उनकी कीमत न भरी हुए हाँ यो जड़ो कर पाकिस्तान में अणलिखो कानून थी वो तो फॉरेन पॉलिसी बहरहाल फॉरेन मिनिस्ट्री को वजीर आजम हाउस न ठाई या जर वजीर आजम हाउस या फॉरेन मिनिस्ट्री में वह ठहणी पा तो वह मर्जी से ठहनी आ मथे वह एंडोर्स थी तो वह गाल अगत हल्दी सिविलियन हुकूमत की हालत यह है जो जर इन उसूल के पुठ जाने की कोशिश कन तो कीमत एडी वी जो हाँ वह जरूरत ना कर चाहे न पर मां तो सिविलियन हुकूमत की या सिविलियन हुकूमत के न होने के अलावा मां चवां तो फॉरेन पॉलिसी जका है असां पंहिंजे मुल्क की सॉवरनिटी विकति से सरेंडर कई से सॉवरनिटी पंहिंजो अमेरिका के वॉर जका हुई सोवियतन के खिलाफ उते असां पंहिंजी सॉवरनिटी सरेंडर कई से या जॾहिं हिकिड़े अंडर सेक्रेटरी असांजे जेको आहे कमांडो खे फ़ोन कई अमेरिका मां त उते बि असां पंहिंजी फॉरेन पॉलिसी सरेंडर कईसीं हिन सॼे अरसे में असां पंहिंजी मुल्क जी फॉरेन पॉलिसी खे भली फ़ौज ठाहे या सिविलियन ठाहिनि पर उहा हिकिड़ी हिकु ख़ुदि मुख़्तियार रियासत जीअं पंहिंजी फॉरेन पॉलिसी ठाहींदी आहे ईअं ठहंदे असांखे नज़र नथी अचे फयाज़ तव्हां त तमामु वॾी ॻाल्हि कई आहे सॉवरेनिटी त तमामु फंडामेंटल क्वेश्चन आहे ॾिसो ऐं उहा रुगो फॉरेन पॉलिसी छा तव्हांजी इकोनॉमिक पॉलिसी छा हिकु सॉवरेन स्टेट वांगुरु ठही आहे छा हितां फॉरेन पॉलिसी उनजो बि नेक्सस आहे मां तव्हांखे यादि ॾियारियां तव्हां हिस्ट्री तमामु घणी पढ़ंदा आहियो ऐं तव्हांखे यादि रहंदी आहे अमेरिका खां जॾहिं पाकिस्तान जॾहिं नओं नओं मुल्क ठहियो ऐं असां वटि पोइ कणिक खपे हर शइ खपे ज़ाहिर आहे नए मुल्क जा बहरान त पोइ जॾहिं अमेरिका मां कणिक आई इमदाद जी त कराचीअ जे पोर्ट ते जॾहिं लथी ऐं उतां उन ज़माने में वॾा ट्रालर टैंकर ऐं ट्रालर न हुया त पोइ उन्हनि खे खणी पिया आया उठनि ते ॿोरियूं उछाड़े ऐं उठनि जे किचन में तख़्तियूं विधल हुयूं त थैंक्यू अमेरिका मूंखे ॿुधायो तव्हां कहिड़ी सॉवरेन स्टेट ऐं सॉवरेनिटी जी ॻाल्हि था करियो असां सॉवरेनिटी पहिरें ॾींहुं पेरनि में उछले छॾी असांजी बदक़िस्मती ऐं पोइ इन सॉवरेनिटी जे कास्ट ते जेके एक्सप्लाइटेटिव फोर्सिस हुयूं जेके एक्सट्रीमिस्ट फोर्सिस हुयूं जेके ऑटोक्रेटिक फोर्सिस हुयूं उन्हनि पाकिस्तान जे माण्हुनि ते रूल करण जी क़ीमत ई सॉवरेनिटी जी शिकिल में ॾिनी आलमी इख़्तियारनि खे चयनि त असांखे इजाज़त ॾियो त असां मुल्क जे अवाम खे पंहिंजो ग़ुलाम रखूं ऐं तव्हां असांखे पंहिंजे ग़ुलाम तौरु क़बूल कयो असां अवाम जी सॉवरेनिटी फुरियूं तव्हांखे पेरनि में असां सॼी पंहिंजी सॉवरेनिटी रखी ॾींदासीं इहा हुई डील इहा शुरू खां डील हुई ऐं असां आलमी पावर्स खे ख़ुशि करण लाइ कॾहिं रूस जो आयल जहाज मोटायो त असांखे अमरीका खे ख़ुशि करणो हो ऐं पोइ अॻिते हली तव्हां हर मरहले ते ॾिसो त असां नॉन अलाइंड मूवमेंट में बि स्ट्रांग रोल न प्ले करे सघियासीं असां सार्क में बि रोल प्ले न करे सघियासीं
असा कह उन खुदमुख्तार फोरम से इज्जत नफ्स की रियासत की आवाम की फर्द की इज्जत नफ्स की रियासत की थी कमिटमेंट कई से तो मलेशिया में तुर्की है असा मलेशिया पाकिस्तान गजी को होस्ट कदे जैसे असा शटअप कॉल आई सऊदी अरब का तो असा उत भी कॉम्प्रोमाइज कर सॉवरेंटी के जी बिल्कुल विक विक तहां मुखे बुधायो ते या घट शर्मना कला तो वजीर आजम साहब एकरो फोरम कन्वीन कराई करन मारजे यो फोरम पाकिस्तान जे वजीर आजम इमरान खान साहब तुर्की ए मलेशिया वारन के चई कन्वीन करायो ने जो क्रेडिट को कयो आई मा उन क्रेडिट के अप्रिशिएट कया जे करन ते पेर जलेना पर अगेन एक फोन कॉल ते डिफर्ड पेमेंट जे तेल वठण लाए आई उधर जेका असा जे बैंकन में रुगो रखण ला मा उधर इस्तेमाल कण जो हक कोनो रुगो रिजर्व की लेवल वधी के देखाणी के उने के बेस बने असा आईएमएफ का कर्ज वटी सहु यो ता समझो प्रोटो टेक्निकल लोनिंग हो जमे असा के रुपए के अतलाण जो प्यार कोनो असा जी ट्रिजोडी में रुगो प्या होतन तमा दुनिया के देखारे न ते बी उधर खणा उने जे ला असा सॉवरेनिटी दिनी आई पो जिते जिते सॉवरेनिटी असा खा क नब गुरी तो असा प्लेट में खणी घुमदा प्या वठो तो मेहरबानी करे होको आ वठो बटे रुपया दियो जितने किलो खणो असा के खणो सॉवरेनिटी जो खैर 70 साल का नई दाने न होती तो मा तरह जो इन दौरन जा जे फैसला किया वो पाकिस्तान सा पाकिस्तान जे عوام सा जुर्म किया 5 जुलाई 1977 ते जेड़ो भी हुई पाकिस्तान जी जका पार्लियामेंट हुई उन जे अंदर जको हुकूमत हुई उनी वा एकड़ी फैसला जो इख्तियार आला इख्तदार आला वड़े हद तई उन्हीं हुकूमत वट हो तांखे लगे थो तो 5 जुलाई का पो अज दी तई पाकिस्तान जे अंदर MRD हली ARD हली जियाउल हक मुशरफ जे खिलाफ जका है जुडिशियल जी मूवमेंट हली बियो हलियो पर पाकिस्तान जी जका जमहूरियत आ उहा बहाल न थी सगी जमहूरी इदारन के वरी इख्तदार आला हासिल न थी सगयो मां तफया साहब यो तो समझा जै शे के असा जमहूरियत जी वस्फ तौर दिठो आ पढ़ियो आ माने पढ़ियो आ या दुनिया जे बेन मुल्क में दिठो आ तो पो सच्ची गल है तो वा तो जमहूरियत पाकिस्तान में कने आई को न इवन भुट्टो साहब वडो अगवाणो वडी कीमत भरी के शानदार कम कई पर कई कम अड़ा भी कई जैसे कर उन दौर के जमहूरियत के आलमी बैन अवी मंझल वस्पत अस पूरा न था चई पर यो चई सकूँ था तो हाँ उन वक्त पाकिस्तान के ठे पास दी थी ही 25 साल खन थी चुका है या 1 साल घट वद घट में घट उन वक्त 25 साल बिना जमहूरी निज़ाम सिविलियन हुकूमत के स्ट्रक्चर में मुल्क जो हलो तो उनमें फाउंडेशन का भी कान है तो भुट्टे के क्रेडिट हों जड़ी जड़ी सदी जड़ी भी ठा सको पर जमहूरत की फाउंडेशन रखी वरती एग्जैक्टली चाहें पे आइन ठाई जितोनी का समाज कई मानु तनान साई आइन हेड़ो 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 बराबर आइन को उनमें कमजोरी न होंदी चाहनु पर हने 73 जे दौर में आज जेके मानु आइन जे चवंदा ते हेड़ो हो जिया जे उनके वजीरादम करियो त बड़ो ही ठाए जो त दिसो एक नेचुरल प्रोग्रेशन आ है सोसाइटीज की स्टेट्स की वो ख्वाहिश ते नथी हले वो रियलिटीज ते हलंदी आ अवा एक नंडे टीवी इदारे में मा एक नंडे प्राइवेट इदारे में कम तो करया इतने 50 शयन जो असा समझना तो हिं होजन वो नी सकंदी पंज थी पंज नी दैट इज द रियलिटी भुट्टे साहब उन्हें सजे एडवर्स एनवायरमेंट में उन्हें सभी शयन की फाउंडेशन रखने जो कम कर इमारत तो जदें जी शानदार ठे या जदें ठे पर समझा तो हर इमारत में फाउंडेशन जो रखे तो उनको वो कंट्रीब्यूशन आ तो वह शुरुआत थी हुई पर्यों भेरों इलेक्टेड पार्लियामेंट के असर्ट कर जो राइट मिलो हो आई ठीक है उन्हें दौरान तो गलतियों क्यों गलतियों भला कर बुधा तो जो 70 के दहाके का जो खौफनाक गलतियों मुल्क भोगियों भुट्टे दौर जो गलतियों तो को गलतियों बराबर अमेरिका या 70 अजा तीन गलतियों कन था ट्रंप कड़ो अशर कर बोरिस जॉनसन छापियो कर दुनिया में ये ये तरह है तो परफेक्ट डेमोक्रेसी दी पर बिगनिंग हुई वो अजा कच्चो सलो हुई जैके जोर से चीबा टे लताड़े छ हाँ वो सलो एक भेरों तुम चीबाटे लताड़ो था उनके मथा बिल्डोजर हलता छो दह साल बिल्डोजर हलता यारह साल जैसे जमीन खाली था कर वरी थोड़ो वो सलो साह पटे तो थोड़ो मथे अना मुँह कटे तो वरी बी लत उनके अची थी लगे
तो बिल्कुल एग्री आया तो उन दौर में जो जमहूरत जो गलो घुटो हो वो अना जमहूरत साह खड़ी सही नी यो जो मदाखलत उन सियासी पार्टी ठाराण तक याद आते असट ज़ियाउल हक़ के ढीन में कराची में शागिर्दन के टोले के जो है एडी वी पार्टी तौर एक लसानी बुनियादन से ठाए जड़े सा माहौल ठा वो वरी असलम बेग जो दौर आयो तो वरी उन्हीं के अंदर जो है आई जे आई इन तरह की मैनूरिंग खुद पो अज पाकिस्तान जो मौजूदा वजीर आजम भी चवे तो पाकिस्तान के अंदर का इलेक्शन शफाफ न थी आ खुद वजीर आजम की पार्टी के बारे में भी मुख्य याद आ जो एक असाजे इदारे जो सरबराह रिटायर थो हो पाशा साहब त उन वक्त जो है असाजे इंटीरियर मिनिस्टर चौधरी निसार चो तड़ी पार्टी यतीम थी वही पार्टियों ठाराण इन तरह की मैनूरिंग करण इंजीनियरिंग करण सजे प्रोसेस के अंदर अंडकू विझण यो तक लगे तो यो सजो अमल भी 5 जुलाई का ऑपरेशन एडो वे पैमाने से उनकी शुरुआत थी यो तो फयाज अयूब के दौर में भी थो दौर लिटरेचर में पढ़ो कन्वेंशनल लीग जैतर बेसिक डेमोक्रेसीज अजीब किस्म जो फजूल जायरानो तस्वर पैदा किया आर्टिफिशियल किस्म जो मजाक खिल जो वो सजो हथरादो एंटिटीज क्रिएट करने जो पर जै वे पैमाने से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो अ दौर में कंसेप्ट इवॉल्व थो तो अयूब खान वेठो उनके पतो मुझे सामू केर को या बीडी सीडी चाली ठारा छी फातिमा जनाह के को खटन दिनई उन दौर में अ पॉलिटिकल पार्टी इवॉल्व थो ही को सरकार की जो मुस्लिम लीग की अखोद केतर टुकर में विर चुकी पीपल्स पार्टी तो 67 में घो कर 7 आ गया 67 आ पाया तरह उनकी फैया तो अयूब जो आखिरी दिया तो उन वक्त पॉलिटिकल पार्टीज की मैन्यूवरिंग कान थी फर्दन की थी वडेरा वडेरा पीर जागीरदार इन असेंबलीज थी मैन्युफैक्चरिंग कहता उन्हें बिहार जैसे इन विच में जो वो भुट्टे साहब के उभार का उन दौर में पॉलिटिकल पार्टीज कर खो तरीके इस्तकलाल अगर थी एएनपी अगर थी नैब थी बीएनपी ठही उन दौर में शेरबाज नदारी साहब की पार्टी ठही को नंढा वा फजल रहमान साहब मुफ्ती महमूद साहब की पार्टी मौजूद हुई मौजूदी साहब की पार्टी खैर अयूब के दौर में हुई यस शायद वाहिद स्ट्रांग पार्टी हुई पर पार्टी सभी उभार कोई थो ज़ियाउल हक़ के दौर ते पहुंचने पहुंचने जी 7-8 साल तड़ी तड़ी भी जमहूरत जैमें खराबियों भी सौ हुई पर वह मौजूद हुई तो होदा ईस्ट पाकिस्तान खत्म थी चुको न तो उतने अवामी लीग हुई अयूब के दौर में इन पास वरी कहीं जमायत इस्लामी मजबूत होंगी नंढी नंढी मजहबी ग्रुप ग्रो हुआ पर भुट्टे के दौर में जो थोड़ी ओपननेस थी पॉलिटिकली स्पीकिंग उन नतीजे में केतरी ही सियासी जमायतू मेन स्ट्रीम कर खी वरतो को ज़ियाउल हक़ एमआरडी के भुट्टे के फांसी चढ़ने लाइ पीएनए के जै तरह यूज किया तो उनके समझ में आया तो भाई रुगो डंडे लांग बूट से इख्तियार थोड़े हलबो इन सफुन में हमदर्द वफादार छो न ठाजन पीएनए के उन वक्त इंटरेस्ट हो तो केर बची अस वाहिद पॉइंट ही भुट्टे मुखालफत में इन हद तुटे वेठा जो इंतहा पसंदी जो इस्लाम की मिसइंटरप्रिटेशन जो दौर शुरू पीएनए उन हिस्सों की वही शुरू में यह बी गाली सब पार्टी आखिर में समझी हथ कटी वही जेआई भी हटी वही जमायत इस्लामी गड हली पे उनके लगो पे तो असो यो ही एजेंडा है तो उन दौर में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग वे स्केल से शुरू थी चुकी है पर अगेन ज़ियाउल हक़ के पतो जैदारे में तो सिक्योर वेठो हाँ कड़ी जरूरत है पर 85 में जो नारे में डेमोक्रेसी बहाल कई तो उन वक्त वरी उनके या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कमाई जो उन वक्त भी नई मुस्लिम लीग ईजाद थी वो मुस्लिम लीग विराई वही जैसे जूने के ताउन न कर तो उनके भी चखा लीग भी ठही उन मुस्लिम लीग जे में तो उन वक्त का उन पार्टी टोड़ पार्टी ईजाद कर कम शुरू कर ज़ियाउल हक़ लागानो कयो तबाह थियो सजाज पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तेस इंस्टिट्यूशन के इहा गाल समझ में अची वही ताने ज़ियाउल हक़ तो हलो वो पर जेकर हेडी वडी पॉपुलर पार्टियों वरी अची पेर खोड़े वही तो अगया असा ला आसान कोन थींदो त हनन ते वरी को कंट्रोल बरकरार रखी सकूं को हनन जे आई जे आई उन दौर में ठहराई असलम बेग साहब हाणे ते गाल तक पीपल कोनन फौज जा सरबराह पाण पंहिंजे इंटरव्यूज़ में इहा गाल मञनि था लिखियो पियो आहे सुप्रीम कोर्ट में
असरकार जे केस में सुप्रीम कोर्ट में जस्ट जनरल दुरानी एफिडेविट दे चुको है सर साहिब भी असगर खान त केस कयो पूरो आ वो केस मुझे ख्याल आ ते रुडियो का खबर न पई पर वो सजी चाती बैंकन मा पैसा दियारे आ पो उन आईजीआई के चन ता हने ता इलेक्शन बडो पोरे अते अली बेनजी के खिलाफ जन नो कॉन्फिडेंस जो वोट आनाणो हो उन वक्त में पैसा हलायन तो वो 90 के दहाक में हन इदारे पूरी एकड़ी 8-9 साल में एकड़ी पंजी फैक्ट्री टाइम करे वरती हन परफेक्ट करे वरतो पंजे ने स्किल के तो पॉलिटिकल मैन्युवरिंग कभी किया वो इन लाइ पे कहन तो जरूरी ना है हर मेरे सा सामू अची रूट करियो वो सा पुठिया में सब मजा वठो आई जिम्मेदारी के देते हो जे वो मुशरफ के दौर में जो को एडवेंचर थियो वा सिचुएशन आड़ी हुई तो मुझे ख्याल में मुशरफ हटियो आके ने मोहलत न हुई तो सामू रूट करने बजाय पुठा का रूट कंदो रहे जो सिचुएशन सडनली डेवलप थी आई होना चो बधाने ही तो टेक ओवर किया ओवरी होना की मैंने मैं शुरू कई कायदे आदम लीग की इजाद थी आके तो सब याद है कायदे आदम लीग की इजाद थी भाई वो कायदे पेट्रियट पेट्रियट थया पेट्रियट थया एग्जैक्टली तो यो सब उन दौर में थया पे तो पो ही पुठिया एकड़ो माना फैक्ट्री लगी वे ना हाँ वो सांचा मौजूद है तो उन सांचे में अटो विझो या चीकी मिट्टी विझो प्रोडक्ट ठाईंदा वो सांचो मौजूद हो वो सांचो जबरदस्त कम पे करे खैर से जो चौधरी निसार चे तो पार्टी यतीम थी वही तो उन कई एविडेंसेस हैं पुठे दौर में इलेक्शन के दौरान न थो इलेक्शन का अग न थो ये तो कहानियों जो वड़ी हों जो सजो दिन भी गाल तो कुछ तो न खुटे हाँ अगर लिक छप वाली तो है को दलित दिजे तो ना ही है मतलब तो पंज जुलाई 1977 असांजी सियासत के पॉल्यूट कयो असांजी फॉरेन पॉलिसी के पॉल्यूट कयो असांजी जमहूरियत के पॉल्यूट कयो असांजी समाज के अंदर टेररिज्म दहशतगर्दी लसानियत तासुब परस्ती हर बुराई जेका है उन जो जकने खोलजे तो 5 जुलाई 1977 ते वनी गाल खुटे थी जी हां पॉल्यूट तो डाडो रियायती लफ्ज जहर में दो रगुन में पाकिस्तान ते सजे पाकिस्तान के मुआशरे के रगुन में जहर विदूँ आई सब जो तबाह करूँ तुम था वो को लैंडमाइंस होंद पोखे छबियन जमीन में पूरे छबियन को जैसे गाड़ी लंघी तो वह फाटंदी इन हजारे सवे लखे केतर अणगणी लैंडमाइंस सजे पाकिस्तान के घिटन में पूरे छड़ी रोज थी फाटन रोज तो कहो वड़ी मेहरबानी नसीर मेहमद साहब तासंगे जॉइन को नाज़रीन गुफ्तगू जो सिलसिलो जारी है 5 जुलाई 1977 जे हवाले सा ही धरती टीवी जी खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है वक्फो तो वक्फे कम मोटे ची इन मामले के अगते बधाई था।